मैंने अभी अभी ये बंकर बनाया है और ये दो पूरी तरह अनजान लोग कोशिश करेंगे अगले पूरे 100 दिन इसमें गुजारने की। अपनी पट्टियां उतार दो। ह्यूगो, ये है रेन। हाय, ये है ह्यूगो। और ये आज यहाँ पर पहली बार मिल रहे हैं। और ये है एक न्यूक्लियर बंकर, जिसे ये कहेंगे घर। आने वाले 100 दिनों तक जो भी आपकी जरूरत हो वो सब इस बंकर के अंदर है। नहीं चाहो तो वेजिटेबल्स भी उगा सकते हो। बढ़िया। अगर आप यहाँ देखें तो आपको मिलेगा आपका बेडरूम 40 फीट अंडरग्राउंड। रुको, क्या? ओह माय गॉड, यहाँ पर एक बेड है और यहाँ एक बेड है और सबसे जरूरी बात, यहाँ है आपके $5,00,000। ये असली है, इसे होना भी चाहिए। अगर आप दोनों यहाँ 100 दिन रहते हो तो इसे रख सकते हो, पर अगर कोई एक जाता है तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। हम नहीं जाएंगे। 100 दिन में तुम्हारे पास हो सकते हैं $500,000। वो बहुत सारे पैसे हैं। ओके, देखते हैं वो 100 दिन निकाल पाते हैं या नहीं। पास नहीं होता। कमाल है ना, जैसे कि ये हमारा नया घर हो। सही कहा, तुम मेरी रूममेट हो। रुको, क्या हम 100 दिन तक सूरज नहीं देख पाएंगे? अगर हम हमारा खाना उगा पाए तो सब कुछ सेट है। फिलहाल तो दोनों घुल मिल रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि ऐसा ज्यादा वक्त नहीं रहने वाला है। तुम पूरे बेवकूफ हो। तुम्हें चुड़ैल हो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। हम पहली रात के लिए तैयार हो रहे हैं, उम्मीद है नीचे नहीं गिरेंगे। गुड नाइट ह्यूगो। गुड नाइट। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। सही कहा। और आज हम साथ में ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। हालांकि ये दोनों अभी अभी मिले हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों को एक साथ काम करना होगा अगर इन्हें $5,00,000 जीतने हैं तो। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर एक ट्विस्ट होने वाला है। मुझे उस चीज को देख कर थोड़ा सा शक हो रहा है। ओह हाँ, आखिर वो क्या होगा? और वो बॉक्सेस लॉक क्यों है? मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो अलग हो रहा है। यहाँ ये बटन दिख रहा है, इसे छूना मत। ये दुनिया को बदल देने वाला बटन है, पर वो पता करने के लिए हमें इंतजार करना होगा 10वें दिन का। अगर उससे पहले इन दोनों की हालत बोरियत से खराब नहीं हुई तो। आज तुम क्या करोगे? मैं सीखूंगा कि गिटार कैसे बजाते हैं। रेडियो की क्या जरूरत जब मैं खुद ही रेडियो बन सकता हूँ। ये कैसे बजाते हैं? अगले 100 दिनों तक मैं स्पेनिश सीखने की कोशिश करूंगी। ये बंकर के अंदर 3rd दिन है। लेट्स गो, हम आखिर में एकदम तंदुरुस्त बन के निकलेंगे। तुम इस दुनिया के मेरे फेवरेट इंसान हो। तुम यहाँ की सबसे कूल इंसान हो। क्या? और 4th दिन आते ही एक अनजान के साथ रहने के नुकसान भी सामने आने लगे थे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कल तुम जोरों से खर्राटे ले रहे थे। सॉरी। ईयर प्लग्स होते तो अच्छा होता, पर कोई बात नहीं। अगर रेन ने कभी मुझे परेशान किया तो ये उसे डरा देगा। ये हमारा बाहर का व्यू है और ये बस मिट्टी। वो देखने में कितना भद्दा है। पर क्योंकि बाहर जाना मतलब 5,00,000 गवाना था, तो उन्हें कुछ समझौते करने ही पड़े थे। मैंने हम दोनों के लिए काफी सलाद बनाया है। मैं बहुत बोर हो गई हूँ। आज हम कैन फूड से एक सिंहासन बनाने वाले हैं। मैं हूँ ह्यूगो। मैं हूँ रेन। और ये हमारी बंकर की जिंदगी है। और जब वो 10वें दिन पर पहुंचे तब वक्त आ गया था मेरे स्पेशल ऑफर का। वो ये जिमी है। ठीक है, शायद वक्त आ गया है इस वीडियो का ट्विस्ट दिखाने का। यहाँ दोनों साइड में 2 बॉक्सेस हैं। ये हमने पहले भी देखा था। क्या लगता है इसके अंदर क्या है? बटन। एक बटन। ओह माय गॉड। एक हैंड स्कैनर और दूसरी साइड पे एक और हैंड स्कैनर। ओह, एक और चीज, एक 1 मिनट टाइमर। हे चैंडलर, चलो शुरू करो। आखिरकार, जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइमर अब उल्टी गिनती कर रहा है। अगर आप उस टाइमर को कभी भी 0 पर जाने देते हैं तो आपका पैसा तुरंत आपकी लपटों में गिर जाएगा, जिससे उस $5,00,000 के हर एक डॉलर राख हो जाएंगे। और अपने पैसों को जलने से रोकने के लिए आप दोनों को मिलकर काम करना होगा। ये बहुत आसान है। अपने हाथ इन स्कैनर्स पर रखो और ये देखो, टाइमर रुक गया। तो हर एक दिन किसी भी टाइम पर ऐसा हो सकता है। हर एक दिन? हर एक दिन। अगर मैं नहा रहा हूँ तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दोनों ने एक बार भी गलती की तो आप दोनों यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाओगे। ओह माय गॉश। कुछ दिनों बाद मिलते हैं। ओह माय गॉश। अब मैं कभी आराम से सो नहीं पाऊंगा पूरे 100 दिनों के लिए। अगर हमने एक बार भी गलती की तो खेल खत्म। हमें हमारे बेड से यहाँ नीचे लानी चाहिए। मुझे अभी भी सीने पर वजन लग रहा है। ये सोच कर कि वो बटन कभी भी दबाया जा सकता है। हाँ सच में। ओह माय गॉड, रेन 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 रेन, चलो 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 यहाँ से। ओह, मैं तो डर ही गया था। कुछ देर के लिए मेरा दिल तो बैठ ही गया था। खैर, आज ये फिर से बचने वाला नहीं है तो। और डेली अलार्म के बाद ह्यूगो और रेन ने अपना फ्री टाइम साथ काम करने के लिए पढ़ने और सीखने में बिताया। ये है बीस बूट कैप, जल्दी करो, तुम कर सकती हो। और सच में ऐसा लग रहा था कि वो $5,00,000 जीतने की कगार पर है। पर एक सुबह उनकी टीम की शक्ति देखने के लिए मैं 6 बजे उनसे मिलने चला गया, ताकि अलार्म चलाकर देख सकूं कि वो फंसते हैं या नहीं। ओह माय गॉड, जल्दी करो। पर वो अभी बहुत फास्ट थे। ह्यूगो और रेन बस अलार्म को रोकने में ही फास्ट नहीं थे, क्योंकि जो सरप्राइज मैंने फ्लोर के नीचे छुपाया था उसे ढूंढने में उन्हें सिर्फ 13 दिन ही लगे। क्या वो एक लैच है? हमें इस बारे में जानना बिल्कुल जरूरी नहीं था। ऊपर खींचो। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल एक नई दुनिया है। यहाँ तो बहुत कुछ है। और अब जो उनके पास दुनिया का सबसे बेस्ट चॉकलेट था, ह्यूगो और रेन अपने पैसों को जलने से बचाने की कोशिश में पूरी तरह से लग गए। चलो चलते हैं। हम कर सकते हैं रेन, हम कर सकते हैं। जैसे जैसे एक एक दिन ज्यादा गया, वो एक दिन $5,00,000 जीतने के करीब आते गए। हम अलार्म को डराते हैं, वो हमें नहीं डराता। नहीं डराता। और अब से हर 10वें दिन मैं उनके पास एक ऑफर लेकर जाऊंगा। और क्योंकि आज D20 है, नोलन, तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ। बटन दबाओ।
तुम दोनों सच में इसमें माहिर हो गए हो और ये सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही कर रहे हो, जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मिनट्स की जरूरत है भी या नहीं। हमें पसंद आएगा। हाँ सच में देखना, तुम्हें ये पसंद आता है या नहीं। मैं ऐड करूंगा पूरे $50,000 इस प्राइस पूल में, जिसके बाद ये हो जाएंगे पूरे $550,000 अगर आप दोनों मुझे इस टाइमर को सेट करने दोगे 30 सेकंड पर। अच्छे से सोच लेना, क्योंकि अगले 80 दिन आप दोनों के पास इस पर हाथ रखने के लिए बस 30 सेकंड होंगे। अगर एक बार भी चूके तो 5 की जगह $5,50,000 जल जाएंगे। हाँ सोच के देखते, दाव पर रखने के लिए बहुत ज्यादा पैसे है ये, और अब हम टाइमर को कम कर देंगे और मुश्किल और बढ़ा देंगे। क्या वो 50,000 के काबिल है? मुझे नहीं पता। हम यहाँ 10 सेकंड से भी पहले पहुँचे थे, शायद हम ये कर सकते हैं। हमें ये करना चाहिए। ठीक है करते हैं। तुम कर लोगे? हम जरूर करेंगे। अब ये परमानेंटली 30 सेकंड पर रुक जाएगा। नोलन, ये आए तुम्हारे पैसे। जैसा वादा किया था ये रहे आपके $50,000। उम्मीद है आप बाहर ना हो जाओ। झूठ नहीं कहूंगा, शायद वो एक गलत फैसला था। नहीं तुम अभी ऐसा नहीं कह सकते। सच में ये अनोखा फैसला था। आपने देखा ना, वो एक बार भी हार के करीब नहीं आए। हर दिन वो हैंड स्कैनर के पास 10 सेकंड के अंदर आ रहे थे। रेन, हम इस सलाम से हार नहीं मानेंगे। अब मुझे यहाँ बोर नहीं हो रहा, इसीलिए 30वें दिन पर देखते हैं हम मुश्किल को बढ़ा सकते हैं या नहीं। ये 30वां दिन है और मेरे पास एक और ऑफर है। वो ऑफर क्या है वो बताने के बदले मैं आपको दिखाता हूँ। वो बटन दबाओ। कितना सन्नाटा है। यही मेरा ऑफर है, $50,000 प्राइस पूल में ऐड किए जाएंगे, जो कि कुल मिला के हो जाएंगे $6,00,000। पर उसके बाद हर दिन अलार्म बजने पर कोई आवाज नहीं होगी। मैं सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ। हाँ वो अलार्म फिर से कभी नहीं बजेगा। अगर ये आखिरी मनी ऑफर हुई तो? हमारे पास पूरे 5,50,000 है, जिन्हें हमने अब तक बचाए रखा है। क्या वो काफी नहीं है? अभी ये चैलेंज खत्म होने तक हमें शिफ्ट लेनी होगी ताकि इसे पूरा कर सके। तुम वैसा करना चाहते हो? ये बहुत ज्यादा पैसे है। ठीक है गाइस, फैसले का वक्त आ गया। क्या आप प्राइस पूल में 50,000 ऐड करना चाहते हो ताकि मैं साउंड को ऑफ कर दूं? हमें ये बहुत पसंद तो है लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। सच में आप दोनों टेस्ला खरीद सकते हो। हाँ पर हम अब भी टेस्ला खरीद सकते हैं। और टेस्ला खरीद सकते हो? मुझे बस एक कार चाहिए। ठीक है मिलते हैं, पता नहीं कभी, शायद फ्यूचर में कभी। जल्दी मुलाकात होगी। तो अपने रिश्ते को पहले जैसा करने के लिए उन्होंने अपनी टीम का एक लोगो बनाने के लिए खाने का सामान एक साइड में कर दिया और अपनी टीम का नाम रखा द सुअर रैट्स। वाह मैंने कमाल कर दिया। हाँ, यू आर वेलकम। पर वो काफी नहीं था क्योंकि ह्यूगो परेशान था कि वो यहाँ के लगभग सभी काम कर रहा था, जैसे कि मछलियों को खाना खिलाना और टैंक को साफ करना। ये घटिया है। ओह माय गॉड। और गार्डन को मेंटेन करना ताकि उन्हें कभी वेजिटेबल्स की कमी ना हो। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं ह्यूगो के बिना क्या कर पाऊंगी? मरोगी। और बस इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा कुकिंग ह्यूगो ने ही की थी, और क्योंकि वो दिन के 3 वक्त खाना खाते थे तो कुल मिलाकर उसने दोनों के लिए करीब 100 बार खाना बनाया था। ओह माय गॉड, तुम मेरे पर्सनल रेस्टोरेंट जैसे ही हो। मेरी ऐसी बेइज्जती मत करो। और जब उनके बीच टेंशन बढ़ते जा रही थी, मेरी डे 40 ऑफर उनकी मुश्किलें कम नहीं करने वाली थी। हमारे बंकर में जाने से पहले वक्त है सकर को लाने का। नोलन, मैं वही कहने वाला था। वो मनी सकर। ओके। डे 40 की शुरुआत करने से पहले, हे चैंडलर, शुरू हो जाओ। चैंडलर और डरी कभी ऊपर जमीन पर हैं और पूरे $1,00,000 को वैक्यूम कर रहे हैं, जो आपने हारे नहीं। हम कर रहे हैं। ये सक हो रहा है। और अगले 10 मिनट में अगर तुम में से कोई भी बाहर जाता है तो वो उस वैक्यूम किए हुए $1,00,000 के साथ घर जा सकता है और दूसरा इंसान बाहर नहीं होगा। पर आप अपने टीममेट को धोखा दे रहे होगे, जो कि इस बंकर में अकेला पड़ जाएगा पूरे $4,50,000 जीतने के लिए। अगर तुम में से कोई जाना चाहता है तो अभी मौका है। शायद मैं जा सकता हूँ। मैं ही यहाँ पर सभी काम करता हूँ, पूरी कुकिंग मैं करता हूँ, प्लांट्स का ख्याल रखता हूँ, बुरा ही सही पर मैं गिटार से एंटरटेन करता हूँ। शायद मुझे जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, शायद मैं जाऊँगा। हमें सीवर रैट्स के जैसे एक साथ रहना चाहिए। हम ये कर सकते हैं डूड। आखिर तुम्हारा दिमाग जगह पे है या नहीं? अगर तुम्हें अगली ऑफर के लिए हाँ कहना है तो मैं भी हाँ ही कहूँगी। जो भी होगा जाएगा, मैं वादा कर रही हूँ। मुझे अभी लगता है कि वो बाहर जाएगा। ठीक है, क्या तुम में से कोई एक वो $1,00,000 लेकर अपनी कार की डिक्की में रखकर घर ले जाएगा? मेरा जवाब नहीं है। I'm sorry. पर मैं नहीं जाऊंगा, रुकूंगा, यही रुकूंगा। तो मैं जाकर $1,00,000 वापस रखता हूँ। 10 दिन बाद मिलते हैं। और हालांकि उन्होंने आखिर में साथ रहने का फैसला किया था, ह्यूगो का सीवर रैट से मन निकलता जा रहा था। मैं करीब करीब बस टूटने ही वाली थी, एकदम से मजबूर। क्या मुझे उसे जाने देना चाहिए था? ह्यूगो क्या सोच रहे हो तुम? तुम थोड़ी अजीब हो। तुम मेरे लिए थोड़े ज्यादा ही बेसिक हो। मुझे बेसिक रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बेसिक रहना पसंद नहीं। ठीक है, पर वो बहुत घटिया है। बहुत बेवकूफ हो। उसने अभी अभी क्या कहा? प्लीज मेरे ऊपर ऐसे मत चिल्लाओ, प्लीज। ये पागलपन है, मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएंगे। अगले 4 दिनों तक ह्यूगो और रेन ने एक दूसरे से बात तक नहीं की, जो कि मेरे कंटेंट के लिए सही नहीं है। तो मैंने बंकर में एक नया मेहमान लाकर चीजों को थोड़ा अलग करने का फैसला किया। वो और एक स्कैनर लग रहा है, क्या वो यहाँ किसी को ला रहे हैं? वैसा होगा तो बहुत बुरा होगा। मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, पर शायद वो हमें जल्दी पता चल जाएगा। बहुत ही जल्दी। क्या हाल है? हे जिमी, इस सीढ़ी से मुझे बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त लाया हूँ। ओके, अपनी आंखें बंद करो। ऐसा कोई जिसे ऐसी जगहों पर रहने का एक्सपीरियंस है, मैं लाया हूँ रायन फ्रॉहैंड को। ये है। ओके। तुम कुछ ज्यादा ही छोटे लग रहे हो। ये सही नहीं है। ऐसे शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये अगले 50 घंटे आपके साथ ही रहने वाला है। ये कमाल है। अब जो तुम्हें कंटेस्टेंट हो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तुम्हें ह्यूगो रेन की तरह रूल्स को फॉलो करना होगा। मैं एक मुसीबत हूँ। ओके, तुम्हें ये कपड़े पहनने होंगे।
अच्छे लग रहे हो। और पूरे 50 घंटों के बाद 50 दिन पूरे हो जाएंगे। रायन तब तक आपके साथ ही रहेगा। मजे करना। रुको जिमी, नहीं। Enjoy, Ryan. Hey guys. Hi. Hugo. Hugo. मैं रायन हूँ। रायन रेनाल्ड्स। हाय, मिलके अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा दोस्त। नए रूममेट्स। गाइस, मैं कांप रहा हूँ, बहुत ही नर्वस हूँ। सच कहूँ तो मुझे रायन की बैग चेक करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं कुछ लेकर आया हूँ। बियॉन्से। ये उसके गाने हैं। मुझे भी सुनाओ। डूड, ये वक्त है हमारे पहले बटन प्रेस का, पर मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो बटन से ज्यादा दूर नहीं जाते। जल्दी से वॉशरूम जाके आते हैं। वो हर वक्त वॉशरूम ही जाती रहती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्हें यहाँ रखते हैं। अभी अभी 50 दिन पूरे हुए हैं। ह्यूगो और रेन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ये एक्चुअली एक खतरा है अगर उन्हें ये 100 दिन का चैलेंज पूरा करना है तो। मैंने देखा है तुम दोनों दिन में एक बार भी एक दूसरे से बात नहीं करते हो। हाँ, उनके साथ एक पूरा दिन बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ लाने की एक वजह है। ह्यूगो और रेन से 100 डेज पूरे करवाने हैं, तो आज हम करेंगे एक फ्रेंडशिप टेस्ट। तो पहला टेस्ट है एक दूसरे के दिल में पूरे 60 सेकंड तक झांकना है। माय गॉड। ठीक है, तुम लोग तैयार हो? 3, 2, 1। सक्सेस। ये है तुम्हारा फाइनल क्वेश्चन। रेन, आखिर तुम ह्यूगो के लिए क्यों जीतना चाहती हो? ये उसके लिए कमाल का मौका है, और ये मिस्टर बिस्ट का बहुत बड़ा फैन है, इसे जीतना ही होगा। उन्होंने इस वीडियो के लिए बहुत बढ़िया इंसान चुना है। ये बिल्कुल सच है। ह्यूगो, अब तुम बताओ कि रेन के लिए तुम्हें इस चैलेंज को क्यों जीतना है? उसकी फैमिली उसकी बहुत मदद करती है, और इसलिए कि जो वो चाहे वो कर सके। वाह, वो सच में अपने पेरेंट्स को रीपे करना चाहती है। मैं बस उनकी जिंदगी बेहतर करना चाहता हूँ। सच में मैं अब रोने वाली हूँ। वाह दोस्तों, और एक बात याद रखना, ये आप खुद के लिए नहीं एक दूसरे के लिए भी कर रहे हो। हाँ। बिल्कुल सही। तो ये पैसे आपके हुए। फ्रेंडशिप टेस्ट कंप्लीट। थैंक यू। तुम पास हो गए। रायन की वजह से चीजें पहले से बेहतर होने लगी, और जब 50वां दिन आया, जिमी, वाओ, तुम पार्टी कर रहे हो। उन्होंने फेस्टिवल्स का एक चॉकलेट केक बनाया, जाहिर है उसका टेस्ट कमाल का था। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम दोनों सच में लाजवाब इंसान हो, यहाँ आओ। बदकिस्मती से रायन, तुम्हारे 50 घंटे पूरे होते हैं, मुझे तुम्हें बाहर ले जाना होगा। इस अपोकैलिप्स बंकर से निकलने के बाद पहली चीज मैंने नोलन की फेस देखी, और वो बस वापस ही जाने वाला था। और अब जो रायन जा चुका है, क्या लगता है डे 50 का ऑफर क्या होगा? मुझे लगता है क्योंकि हम इतनी दूर आए हैं तो तुम टाइम को भी आधा कर दोगे। तुम बहुत करीब हो। मेरा डे 50 का ऑफर है, इस टाइमर से आप जितने भी सेकंड्स बचाते हो उतने $5,000 में इसमें ऐड करूंगा। हाँ, अच्छा लगा। ये है वो ऑफर, डिसाइड करने के लिए 10 मिनट है। मैं सोच रहा हूँ या तो 10 या 15। ये बहुत रिस्की होगा। तुमने कहा था अगर मैं रुकता हूँ तो किस भी चैलेंज के लिए हाँ कर सकता हूँ। 10 सेकंड से कम, मुझे वो चलेगा। चलो कम कर देते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हो? चलो तो फिर 10 सेकंड कम कर देते हैं। हम इसमें पैसे ऐड करते हैं। थैंक यू जेमी। ये रहे आपके पैसे, $6,00,000। और अब जो मैंने इसमें $50,000 और ऐड किए हैं, मैं एक बार फिर से आपको इस बंकर में छोड़ के जा रहा हूँ। 10 दिन के बाद मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं जेमी। बाय जेमी। यहाँ पर बहुत सन्नाटा छाया है। अभी अभी हमने हमारे पहले 20 सेकंड अलार्म का अनुभव किया। वो थोड़ा डरावना था, उसे वैसे कम होते देखना सच में थोड़ा डरावना था। सच में डरावना था। रायन के बंकर में शांति लाने के बाद ह्यूगो और रेन के रिश्ते में फिर से एक बार दरार आने लगी। मैं साफ साफ बताती हूँ ह्यूगो, हमारे पास इसके लिए चार्जर नहीं है, और इस बैटरी को मैं अभी खाली करने वाली हूँ। क्या एक सॉन्ग भी नहीं सुन सकता? मैंने सब कुछ दे दिया है, तुमने मेरे पाइनएप्पल्स भी ले लिए है, कॉफी भी ले ली है, और अभी भी मेरा जैम खा रहे हो। ओके ओके, अब मैं उसे और 3 लाख देने के लिए स्कैनर पर हाथ नहीं रखूंगा। और पहले से ही इतने छोटे से बंकर में ह्यूगो को अपने लिए एक जगह ढूंढने की जरूरत पड़ गई। वहाँ फ्लोर में थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है, जिसे मैंने एक अपनी केव में बदल दिया है ताकि मैं चिल कर सकूं। नो गर्ल्स अलाउड। मेरे पास स्नैक्स है, मेरी बुक्स है, और मेरा सोफा। म्यूजिक के साथ पेंट करना बहुत बढ़िया लगता है। क्या तुम यहाँ केव में आना चाहोगी? रेन, क्या मुसीबत है? और जैसे दिन बीते, ह्यूगो और रेन के बीच की टेंशन उनसे और ज्यादा गलतियां करवाने लगी। मैं मछलियों को खाना खिलाती हूँ। मॉर्निंग फिशेस, यहाँ आ जाओ, खाने का टाइम हो गया। आ रही हूँ। चलो 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 चलो, जल्दी आओ। तुमने बहुत वक्त लगा दिया। मैं इसलिए 3 लाख नहीं गवाने वाला क्योंकि रेन का दिमाग गेम में नहीं है। मेरी नॉर्मल लाइफ कैसे थी वो मैं सच में भूल रही हूँ। इस बंकर में आंखें खोलना ऐसा है जैसे मेरी नॉर्मल लाइफ कभी नहीं थी। लगता है जैसे ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। पर चाहे कुछ भी हो जाए, ह्यूगो और रेन मुझे अपने पैसों को आग लगाने से बार बार रोकते रहे। और आ गया डे 60। मैं देखना चाहता था कि मैं उनकी लालच को और बढ़ा सकता हूँ या नहीं। देखते हैं इस बार बटन कौन दबाएगा। मैं जीत गया। अरे नहीं, मुझे नीचे कुछ तो गिराना है, क्या तुम थोड़ा दूर हट जाओगे?
बढ़िया। उसके लिए सॉरी, मेरा डे 60 का ऑफर, मैं आपको दूंगा ये पूरे $50,000 अगर आप मुझे अलार्म दिन में 3 बार बजाने दोगे, ना कि बस 1 बार, जब तक ये चैलेंज खत्म नहीं होता। ओह माय गॉड, मैं आप दोनों को सोचने देता हूँ। डूड, सच में वो करना चाहिए। वो करना बहुत कूल लगेगा। पर क्या पता अगर वो ऐसे आते रहे तो तब आखिर कैसा होगा? तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, हम इस 50,000 के साथ क्या करने वाले हैं? क्या मैं इन्हें आपके बैंक अकाउंट में डालूं या फिर नहीं? नहीं। सच में? तो मैं ये पैसे लेकर जाता हूँ। शायद हमने सही फैसला लिया। हम पहले ही अनकंफर्टेबल हैं, पर हम लंबे वक्त के लिए अनकंफर्टेबल नहीं रहना चाहते। 40 दिन वैसे भी लंबा वक्त है। और क्योंकि ये मेरे बंकर में पूरे 2 महीने पहले आए थे, और डे 61 आते आते मौसम काफी बदल गया था, और साथ ही में उनका सब्र भी। मैं पूरा दिन नींद से उठने के बाद एक ही जगह पर रहकर परेशान हो गई हूँ। मुझे अब नॉर्मल नहीं लग रहा, इसमें मजा भी नहीं आ रहा। अब मैं और पढ़ना नहीं चाहती, लिखने की इच्छा नहीं है, पेंट करना भी नहीं अच्छा लगता। पहले जो मजेदार हुआ करता था वो अब बोरिंग लगता है। एक साथ एक ही जगह पर पूरे 60 दिन बिताने के बाद ह्यूगो को अपनी खुद की केव में अकेले रहने की आदत सी हो चुकी थी। मैं मेरी केव में जाकर पढ़ते हुए थोड़ा वक्त बिताऊंगा। तुम पूरे दिन पढ़ रहे हो ह्यूगो? शायद मैं जितना पढ़ता हूँ उसे देखकर रैन को बहुत दुख हो रहा है, पर मैं ऊपर जाकर पजल पूरा नहीं करना चाहता। क्या? उसने कुछ देर के लिए पढ़ना बंद कर दिया, शायद मुझे उसकी बुक्स छुपानी चाहिए। ह्यूगो का अटेंशन पाने के लिए रैन को मामला अपने हाथों में लेने की जरूरत पड़ी। तुमने मेरी बुक्स छिपाई है? मैंने तुम्हारी बुक्स छिपाई? नहीं। मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, लेकिन मेरे पास वहाँ और बुक्स है। मुझे लगा कि वो वहाँ है। अरे जरा सोच के तो देखो। अब वो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मुझे जिमी की डे 40 की ऑफर याद आ रही है। मैं वो ले सकता था, पर मैंने नहीं कहा क्योंकि मुझे और पैसे चाहिए थे। तो ये सोचकर कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने रुकने का फैसला किया, क्या पता ये मुझसे होगा या नहीं। ह्यूगो की आवाज में छुपा पछतावा सुनने के बाद मैंने डे 70 पर ऐसा ऑफर लाया जो उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट था, पर हमेशा की तरह सबसे पहले हमें वो बटन दबाना होगा। ओह, ये तुमने बंद कर दिया। ये तुमने क्या कर दिया? लाइट्स बंद कर दो। क्या हाल है? हम बढ़िया है, तुम कैसे हो? डे 70 का ऑफर बताने से पहले मुझे आपको अलग करना होगा। ह्यूगो तुम ऊपर जाओ और रैन तुम पैसों के पास। अब बनानी होगी एक दीवार। ये पर्दे मुझे परेशान कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, क्या होने वाला है? हे काल, जल्दी से पैसों को सक करो। 2 लाख खींच रहे हैं हम। अभी इस $6 लाख के प्राइस पूल से पूरे $2 लाख खींच रहे हैं, और बिल्कुल मेरी पिछली ऑफर की तरह अगर कोई बाहर जाता है तो $1 लाख उसके हो जाएंगे। शायद मैं जाने वाला नहीं। नहीं जा सकते। तुम में से एक जा सकता है इन पैसों के साथ। तुमने वो ऑफर फिर से लाया? हाँ, पर इस बार आप ले जाओगे पूरे $2 लाख, वो भी दूसरे इंसान को बाहर किए बिना। ओके। पर ये डे 40 की ऑफर की तरह नहीं है, इस बार मैंने आपको अलग कर दिया है, तो इस बार वो तुम्हें जाने से रोक नहीं सकती अगर तुम जाना चाहो तो। ये तो कमाल है। जिमी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम रैन पर ऐसा नहीं करोगे क्योंकि अब 3 लाख के लिए कम्पीट करने के बदले, जो कि तुम दोनों जीतोगे अगर तुम यहाँ रहते हो, तो अब वो जीतेगी पूरे $4 लाख, तो तुम्हारे जाने से उसकी मदद होगी। मैं उसे 1 लाख जरूर देना चाहूंगा। हाँ। पता नहीं लग रहा कि वो जाने वाला है। पता नहीं अगर मैंने इन 2 लाख को मना कर दिया तो खुद को माफ कर पाऊंगा या नहीं, और उसके बाद भी चैलेंज हार गया तो पहले ही 1 लाख गवाए हैं, और ये उसके 2 गुने। और याद रहे, अगर कोई बाहर नहीं आता तो अभी भी इस बंकर में पूरा 1 महीना रहना होगा। क्या तुम्हें अपने परिवार से मिलना है? क्या तुम्हें सूरज की रोशनी देखनी है? और सबसे जरूरी, क्या तुम्हें बंकर के दूसरे इंसान की फिक्र है और चाहते हो कि वो 1 और लाख जीते? 5, 4, 3, 2, पूरे $2 लाख जीतने का ये आखिरी मौका है। 1, हम नीचे आ रहे हैं। वो अभी वहाँ हो, ये हो नहीं सकता। और अब मैं ये पर्दे निकालने वाला हूँ और देखते हैं कोई गया या नहीं। तुम में से कोई भी नहीं गया। अरे वाह। क्योंकि दोनों में से कोई नहीं गया, ये रहे तुम्हारे $2 लाख वापस। मिलता हूँ अगले 10 दिन में। मैंने अभी अभी 2 लाख को ना कहा। मैं हैरान हूँ कि तुमने ना कहा। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा क्योंकि वो नहीं सुना। हालांकि उनमें से कोई नहीं गया, पर पैसे ही थे जो उन्हें साथ बांधे हुए थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये करता हूँ या नहीं। कभी कभी इस चैलेंज का सबसे हार्ड पार्ट वो अलार्म भी नहीं होता, वो होता है एक दूसरे के साथ रहना, खासकर तब जब वो बहुत डिमांडिंग हो। मेरे लिए चिकन बनाओगे? मेरे लिए स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाओगे? क्या तुम्हारा होने के बाद मेरे लिए थोड़े एग्स और चोरीजो बनाओगे? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं हर दिन एक ही चीज कर करके परेशान हो गया हूँ। मुझे रैन की मदद करने में दिक्कत नहीं है। अगर अभी जिमी नीचे आकर मुझे ये कहे कि ह्यूगो तुम अभी जा सकते हो, ये लो $10,000, तो शायद मैं वो ले लूंगा। रैन के साथ इतना वक्त बिताने के बाद ह्यूगो बहुत ऊब गया था, और उनके प्लांट्स लिटरली सड़ रहे थे, और रैन अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी। क्या तुम वो गंदा पानी बाहर निकालोगे? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं, वो तुम ही करो। थैंक्स रैन। मैं कसरत करने वाली हूँ। इतनी बदबू, पता नहीं क्यों, पर मैंने अपने बाल काटने के लिए रैन को कहा, और ऑफ कोर्स उसने वो बिगाड़ दिया। ह्यूगो के बाल खराब करना आखिरी स्टेप था, और उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। शायद मैं जाना चाहता हूँ। तो फिर जाओ,
वो पैसे जल जाएंगे और हम दोनों कुछ नहीं जीतेंगे। मैं बता सकता हूँ कि उन्हें परेशानी हो रही है, तो देखते हैं मेरी अगली ऑफर उन्हें खुश करती है या और परेशान करती है। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा और अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं वो बटन अगले 10 दिनों तक नहीं दबाऊंगा। मतलब 10 दिनों की छुट्टी। 10 दिन का ऑफ बहुत कमाल का होगा। पर अगर जवाब गलत हुआ तो मैं टाइमर से 10 सेकंड कम कर दूंगा। शायद मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो। और वो सवाल है, किसका टेस्ट बेहतर है, फीस्टिबल्स चॉकलेट बार या हर्शीज चॉकलेट बार? जवाब आसान है, फिस्टबल्स। सही कहा, ये बहुत बढ़िया है। ये तो आसान था। अब अगले 10 दिनों तक मैं वो लाल बटन नहीं दबाऊंगा। तुम्हें नींद पूरी कर लेनी चाहिए क्योंकि डे 90 इतना आसान नहीं होगा। रेन, रेन, बोला। ओह माय गॉड, तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। सच में हम इसे कवर भी कर सकते हैं। तुमने सही कहा। तो 10 दिन बाद मिलते हैं टाइमर। उन दोनों के बीच इतनी ज्यादा टेंशन होने के बाद भी अलार्म को निकालने से हो सकता है कि ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आना शुरू करें। चूंकि अब वो अलार्म नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं वही कर रही हूँ। और आज का मेन्यू है डोनट्स। रेन ने कहा था कि वो कभी भी कुक नहीं करेगी और देखो मेरी रूममेट वहाँ पर डोनट्स बना रही है दोस्त, और वो बढ़िया लग रहे हैं। थैंक्स ह्यूगो। ठीक है, ये रहे हमारे डोनट्स टेस्टर्स, फेस्टिवल्स चॉकलेट कवर्ड डोनट्स। My God, फीस्टेबल्स बहुत ही बढ़िया है। और क्योंकि फीस्टेबल्स ने अकेले ही उनकी दोस्ती बचा ली, इसीलिए बाकी के कुछ दिन आराम से निकल गए। इसीलिए हर दिन का बचा हुआ एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने आने वाले दिनों के लिए तैयार होने में लगाया। हमें ऐसा करना चाहिए कि डे 90 के लिए तैयार होना चाहिए। चलो थोड़ी गेम प्लानिंग करते हैं और पक्का करते हैं कि हम जीते। मैं ह्यूगो से कहकर टाइम गिनूंगी कि बंकर के लिए अलग अलग एरियाज हैंड स्कैनर तक जाने में कितना वक्त लग सकता है। MP3 प्लेयर में स्टॉपवॉच भी है जो रायन ने दिया है। चलो 2.61। ओके ओके, चलो 4.09। ओके, कूल कूल कूल, अभी 5 के अंदर। गो 3.87, 3.57, ओके 3.39, ओके। डे 9200, वो एक जंग जैसा होगा। सग बनो या घर जाओ। मैं सग बनने वाली हूँ क्योंकि मैं घर नहीं जाने वाली। कल डे 90 आने पर टाइमर फिर से आ जाएगा, पर इतनी ट्रेनिंग के बाद हम ये कर लेंगे। वो साइन निकालने का वक्त आ गया। वो रहा वहाँ। ये ऑफिशियली डे 90 है, जिसका मतलब है 10 दिनों में ये पहला बटन पुश होने वाला है। वो अलार्म दोबारा शुरू हो गया है। क्या आप दोनों को इसकी याद आई? हैरानी से सच में आई। ओके, नीचे आ रहा हूँ। ये रहे पूरे $100,000 जो आपके प्राइस पूल में ऐड हो जाएंगे, जो कि मैं आपको अभी दे सकता हूँ, जिससे आपका बैलेंस हो जाएगा पूरे $700,000। और इन पैसों के बदले मैं आपके टाइमर में कुछ और वक्त ऐड करूंगा, जिससे 20 सेकंड बढ़कर हो जाएंगे पूरा 1 मिनट। लेकिन हर दिन जब भी आप हाथ स्कैन करोगे तब ये टाइमर रीसेट नहीं होगा, और ये 1 मिनट आपको इस चैलेंज के पूरे होने के 10 दिनों तक चलाना होगा। ओके, आपको सोचने के लिए 1 मिनट देते हैं। क्या लगता है, क्या लगता है? ये थोड़ा डरावना है, पर ये बहुत ज्यादा पैसे है। हमने गिनती की है, हर बार हमारे पास 5 सेकंड से कम वक्त। हर एक बार सही कहा। ओके, सख्त बनो या घर जाओ। सख्त बनो या घर जाओ। जिमी, हमने फैसला कर लिया है। आपने क्या फैसला लिया है? हम ये करने वाले हैं। यकीन है? यस। अब पीछे नहीं हट पाओगे। मैं इन पैसों को ऐड कर रहा हूँ। सख्त बनो या घर जाओ, अब ये होने वाला है। मैं 10 दिन बाद मिलता हूँ। चूंकि हमारे पास है पूरे $700,000, वो भी दाव पर, और हमारे पास 60 सेकंड्स है। शायद फिर से डेकोरेट करना चाहिए। हमें ऐसी सेटिंग करनी होगी कि हम स्कैनर से 1 फुट से ज्यादा दूर न हो जाए। हमने जरूरत का सारा खाना भी यहाँ लाया है। हमें यहाँ पर आए 90 दिन पूरे हो गए हैं और अब हम यहाँ तक आ गए हैं। देखते हैं हम हमारे नए सेटिंग एरिया से अलार्म कैसे ऑफ करते हैं। बीप 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 बीप। 1.11, ये कमाल का था। हर एक सेकंड बहुत जरूरी। वो डरे हुए थे कि हम वो बटन दबा देंगे। वो दोनों लिटरली पूरा दिन उन हैंड स्कैनर्स के पास ही इंतजार कर रहे थे, और ऑफ कोर्स जब हमने बटन दबाया वो दोनों तैयार थे। ओह, चलो चले। ये क्या था? ये अब तक का सबसे फास्ट था। हाँ। और फिर वो सोने चले गए, पर वो जानते नहीं थे अभी आधी रात हो गई थी, जिसका मतलब था एक नया दिन, और हमें बस इंतजार करना था उनके सोने का। वो लिटरली सोए हुए थे और उन्हें बस 2 सेकंड लगे। वो हमारे जाल में नहीं फंसे, पर मैं जानता था कि किसी एक पॉइंट पर उन्हें बाथरूम तो जाना ही होगा, तो मैंने उस पल का इंतजार किया कि कब वो स्कैनर से ज्यादा दूर हो जाए। बढ़िया बढ़िया, तुम तो एकदम उड़ कर ही आई। ठीक है, शायद हम बाथरूम ब्रेक तो ले ही सकते हैं। माफ करना। हाँ कहो। या वापस आ जाओ, जरूरत भी मत करना, वापस यहाँ आ जाओ, एक और कदम मत बढ़ाना। सुनो ह्यूगो, ह्यूगो, चलो 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 चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो।
5 सेकंड में मैं पहुंच गया, लेकिन ये स्लो था। अब तुम्हें बाथरूम जाने की इजाजत नहीं है। अब से सच में मैं ये चाहती हूँ कि वो हमारा इकलौता 5 सेकंड अलार्म हो। तो कल बाथरूम यूज नहीं कर सकते? हमें बस उसे टाइमर शुरू होने तक ऐसे ही रोके रखना होगा। मैं अब इन चीजों से जमीन पर एक लाइन बनाऊंगी, इस तरह से वो जानेगा उसकी लिमिट्स, वो कितनी दूर जा सकता है और कितनी दूर नहीं जा सकता। ये रही वो लाइन। रेन का बाथरूम रूल दिखने में जालिम लगता है, पर अगले कुछ दिनों तक उसने ह्यूगो को अलार्म के लिए ट्रैक पर बनाए रखा। पर डे 98 पर ह्यूगो ने पहले की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। कितना वक्त लगाया? 6.01। ह्यूगो, तुमने 6 सेकंड की टाइम लिमिट पार कर दी थी। जितना तेज हो सके उतना आया। अब तक का ये सबसे लंबा वक्त था जो हमें अलार्म बंद करने में लगा, क्योंकि तुम बाथरूम के अंदर थे। तुम्हें प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, तुम्हें वो नजर आ रही तो है। मैं क्या कभी भी बाथरूम यूज नहीं कर सकता? ह्यूगो, इसके साथ मैं खेल नहीं रहा था, बाथरूम गया था। और इतने टेंशन के बीच ह्यूगो ने अपने दिल की बात बताने की कोशिश की। रेन नहा रही है और ये आखिरी मौका है कि मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ, वो भी साफ साफ। जाहिर है कि पहले ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक अनजान इंसान थी और हम दोनों पूरी तरह से अलग अलग लोग थे। सीरियसली, मैं कभी भी इसे किसी और पार्टनर के साथ नहीं कर पाऊंगा। मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे इंसान के साथ यहाँ भेजा गया जो मेरे जितना ही जीतने की कोशिश कर रहा है और मुझे बेहतर बना रही है। हे ड्यूड, सुन के अच्छा लगा। ओ, वो तुम्हारे सुनने के लिए नहीं था, पर मुझे बहुत पसंद आया। हम दोनों ने इस चैलेंज में बहुत कुछ एक साथ फेस किया है और हम दोनों ने जीतने की ठान ही ली है। हाँ। जैसा कि हम शुरू में ही एक दूसरे के साथ लड़ने में लगे रहे थे, किसी की सुनते भी नहीं थे, पर एक बार पहचान होने के बाद हम बस जीतने के बारे में ही सोच नहीं रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि मैं ये तुम्हारे लिए जीतूंगा और तुम मेरे लिए। सही कहा ना? हैप्पी डे 100। मैं नीचे जा रहा हूँ एक आखिरी बार, बस यहाँ कोई बॉम्ब ना डाल दे। 100 डेज सब इसके लिए। तुम दोनों तैयार हो? दोस्त, हम तैयार हैं। क्या सच में? हम तैयार हैं। गोल! हाँ, बटन दबाओ। एक आखिरी बटन प्रेस। अब तुम दोनों कुछ ज्यादा ही वक्त लगा रहे हो। चलो चलो, टाइम वेस्ट मत करो। तुम दोनों जीत गए। 100 दिन पूरे हुए, चलो ऊपर चलते हैं। ये बहुत कमाल का है। ये पहली बार सूरज की रोशनी देखने वाले हैं 100 दिनों के बाद। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, मैंने आपको बहुत मिस किया। वादे के मुताबिक ये रहे तुम्हारे 3.5 लाख डॉलर्स और रेन ये रहे तुम्हारे 3.5 लाख। आपसे बाद में मिलता हूँ।